उपस्थित भाइयों बहनों, सत्रह जुलाई जनपद सोनभद्र और पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत दर्दनाक घटना के लिए जाना जाएगा। जब एक साथ यहां पर 10 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके बाद मैं स्वयं भी इस गांव में आया था और भाइयों बहनों, मैंने तब आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि हम घटना की तह में जाएंगे, जो भी इस घटना के लिए दोषी होंगे उन सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहां के वनवासियों के लिए, यहां के आदिवासियों के लिए, यहां के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए और सामान्य लोगों के लिए भी सरकार वह सब कुछ करेगी जो आजादी के बाद वे पाने के हकदार थे और विभिन्न सरकारों ने उनकी अपेक्षा बने की है, लेकिन हमारी सरकार उनको पूरा सम्मान देने का कार्य करेगी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तो उन्होंने उससे पहले इस बात के लिए एक आह्वान किया था और एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्ष में निरंतर पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक, समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जो किया, आज उसका परिणाम इस देश के अंदर हम सब देख सकते हैं। जब हर गरीब के पास अपने सिर ढकने की इच्छा होती है, हर गरीब के पास स्वस्थ रहने और नारी गरिमा के सम्मान की रक्षा करने के लिए हर गरीब के पास अपना शौचालय होता है, उसके पास अपना विद्युत का कनेक्शन होता है, उसके पास अपने घर में भोजन बनाने के लिए रसोई गैस का कनेक्शन होता है, हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो कार्यक्रम है उसी विश्वास का प्रतीक है। भाइयों बहनों, याद करिए 1952 से 55 के बीच में आपके हक को छीनने का कार्य कांग्रेस ने किया था और आज आपके हक को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में आई है, जिसको देने के लिए आज यहां पर इन लाभार्थियों को जो लगातार अपने हक के लिए लड़ते रहे, इनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। जो मालिक था उसे बधवा मजदूर बनाकर के रखने का कार्य पाप किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस के पाप का परिमार्जन करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि कांग्रेस ने भले ही पाप किया होगा, उसकी सजा देश ने कांग्रेस को दी है, लेकिन उस पाप का परिमार्जन करने के साथ ही यहाँ के गरीबों, यहाँ के वनवासियों और यहाँ के नागरिकों को उनका हक देने के लिए आज मैं स्वयं मोदी जी के आदेश पर आपके बीच में यहां पर आया हूं। आपको देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि 70 वर्षों तक जिस कार्य के लिए आप लड़ते रहे, कांग्रेस रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, किसी ने आपकी आवाज को नहीं सुना, अनसुना कर दिया गया, उनके लोगों ने यहां की जमीनों पर कब्जा कर दिया। जब हमने जांच की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया तो मुझे देखकर क्या आश्चर्य हुआ कि अकेले सोनभद्र जिले में यहां के गरीबों की 1,00,000 बीघा से अधिक जमीन को या फॉरेस्ट की 1,00,000 बीघा जमीन को
कांग्रेस, सपा, बसपा और तमाम अन्य भूमाफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में कब्जा करके यहाँ के गरीबों को जमीनों से वंचित करने का कार्य किया था, और हमारी सरकार तय की है हर गरीब को उसका जमीन का हक देंगे और उनके साथ हुए अन्याय के लिए जो अन्याय करने वाले हैं उनको भी और अन्याय कराने वाले हैं उनको भी दंडित करा करके रहेंगे। और आज उसी क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आया था जुलाई में उम्बा की घटना के बाद आपके इस गांव में, और तब मैं यहां पर सभी पीड़ितों से मिला था। मैंने उसी दिन प्रशासन को, जो सोनभद्र के प्रशासन को आदेश जारी किया था, और मैंने कहा था एक तो जांच होनी चाहिए कि आखिर इन गरीबों को इस जमीन का पट्टा क्यों नहीं मिल पाया, और इनकी जमीन जिसको 1952 तक ये मिलता इनका हक था, आखिर जमींदारी उन्मूलन के बाद इनके इस हक को क्यों उनको उससे वंचित कर दिया गया, कौन लोग थे, किन लोगों ने इन गरीबों का छीना। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी जो लोग मालिक थे उन्हें मालिक न बना करके भूमिहीन करने वाले लोग कौन थे। और तब पता लगा कि कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद जो बाद में बने एमएलसी थे, दूसरे प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने यहां पर साजिश करके एक फर्जी कृषि समिति बना करके और उस समिति के नाम पर ओम्बा और सफाई के इन गरीबों के हक को छीनने का कार्य किया था, इन्हें मालिक से मजदूर बनाने का कार्य किया था। लेकिन कांग्रेस एक भी बार कभी आपके बारे में सोचने का प्रयास नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की आजादी से इन गरीबों के साथ जो अन्याय 1952 और 55 के बीच में हुआ था और कांग्रेस की सरकारों में समय समय पर हुआ था, क्या उसके लिए वह यहां के गरीबों से माफी मांगने का कार्य करेगी, और क्या वह उन लोगों को सजा दिलाने के लिए फिर से कहेगी जिन लोगों ने गरीबों का हक पर डकैती डालने का कार्य किया था। और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपके सोनभद्र और मिर्जापुर जनपद में भरे पड़े हैं जहां पर इन गरीबों के हक पर डकैती डालने वाले लोगों को बेनकाब करने के लिए मैंने एक कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार करने जा रही है और हर गरीब को उसकी जमीन का हक देने का कार्य हमारी सरकार करेगी, यह हम लोग पहले ही तय कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पहले से इस बारे में तय कर चुकी है। जब मैं पिछली बार यहां पर आया था तब भी मैंने इस बात को कहा था, सोनभद्र जिला हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से लगती हुई हमारी सीमा प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध जिला, प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कही जाने वाली सोनभद्र और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर सोनभद्र आजादी के बाद 70 वर्षों तक विकास के बहुत दूर कर दिया गया, विकास वहां तक आने ही नहीं दिया गया। जो विकास आता था वह विकास बीच में छीन लिया जाता था, और इसलिए हम लोगों ने तय किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, देश के अंदर नीति आयोग ने प्रधानमंत्री जी के आदेश पर 115 ऐसे जिले चिन्हित किए जिन जिलों में लोगों में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि और जल संसाधन है, वहां पर वित्तीय रूप से स्वावलंबन की ओर नागरिकों को अग्रसर किया जा सके इस दिशा में, और अन्य समग्र विकास की दृष्टि से जो एक व्यापक रूपरेखा तैयार होनी है उस दिशा में प्रदेश के जो 8 जनपद अभी भी पीछे हैं उनमें से सोनभद्र एक है। ऊर्जा की राजधानी, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद मानवीय विकास के सूचकांक पर सोनभद्र पिछड़ गया। ये पिछड़ने के पीछे दोषी कोई है,
वे हैं जिन्होंने सर्वाधिक दिनों तक प्रदेश में शासन किया, गरीबों के हकों पर डकैती डाला, इन गरीबों को मकान नहीं दिया, शौचालय नहीं दिया, बिजली नहीं दी, इनके खेतों को पानी नहीं दिया, इनको किसी भी प्रकार की शासन की सुविधा का लाभ नहीं दिया। और आज हमारी, जब मैं पिछली बार 20 जुलाई को यहां पर आया था, तब भी मैंने आप लोगों से इस बारे में कहा था कि आपके हक को दिलाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। आपके साथ जो दर्दनाक हादसा जो घटित हुआ है, इसका हम इस घटना के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, इसकी तह में जाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने, आपको याद होगा, FIR लॉन्च करके कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। जिन लोगों ने यहां की घटना को अंजाम दिया था, वे सभी लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं। और साथ साथ इसकी घटना की पृष्ठभूमि में जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको भी इस दायरे में लाने के लिए पूरी प्रभावी कार्रवाई करते हुए, नई SIT का गठन करते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। भैया बहनों, मैंने तब भी कहा था, हमारी सरकार की नीति है कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, विकास सबका। और विकास सबका जो होना चाहिए, उस विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। जब मैं 20 जुलाई को यहां आया था, तब भी मैंने कहा था यहां का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है, तब भी मैंने इस बारे में कहा था सोनभद्र जनपद में एक नई तहसील का गठन करेंगे, एक नया तहसील बनाएंगे, दो नए विकास खंड की घोषणा हमने की थी और प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। और साथ साथ इस ओंबार गांव में पुलिस की चौकी बनाने की घोषणा भी हम लोगों ने की थी। जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय को गठन करने की, वहां पर स्थापित करने की कार्रवाई स्किल मिशन के अंतर्गत जो स्किल सेंटर बनने चाहिए, उनकी स्थापना की कार्रवाई हम इस जनपद में करेंगे। और साथ साथ ये भी कहा था कि जो भी शासन की सीलिंग की नीति है, उस नीति के दायरे में रह करके जितने भी भूमिहीन परिवार उम्र सफाई गांव के होंगे, उन सबको भूमि का पट्टा सरकार करेगी। आज भूमि का पट्टा करते हुए उन गरीबों को आवास योजना से आच्छादित करते हुए, उन गरीबों को पेंशन की योजना से आच्छादित करते हुए, और उन गरीबों को शासन की अन्य योजना से आच्छादित करते हुए, मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम सरकार ने जो कहा, उस कार्य को आज आपके बीच में इस रूप में प्रस्तुत करते हुए आपके बीच में मुझे आने का एक अवसर फिर से प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने आज यहां पर सोनभद्र के विकास के लिए 340 करोड़ रुपए की लागत की 35 परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास भी संपन्न किया है। 281 लाभार्थियों को 852 बीघा भूमि का पट्टा का कार्य भी यहां पर संपन्न हुआ है। पहली बार हो रहा होगा कि जब 281 लाभार्थियों को 852 बीघा भूमि का पट्टा यहां पर आवंटित हो रहा है, 292 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से एक एक आवास हम उपलब्ध करा रहे हैं, 11 मृतकों के वारिसों को 18,50,000 की दर से सहायता राशि और निराश्रित महिला पेंशन की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, 20 घायलों को 6,00,000 की दर से सहायता राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है, ग्राम उम्बा में पुलिस चौकी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति भी यहां के लिए दी जा चुकी है। और साथ साथ जो लोग आयुष्मान भारत में यहां पर वंचित रह गए थे, उनके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐसे लोगों को आच्छादित करने के लिए 510 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड इस ग्राम पंचायत में जारी किए गए और 201 मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से गोल्डन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें
5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य सुविधा के लिए, उन्हें 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। ये कार्रवाई इसके लिए की जा रही है। ओपा गांव में समस्त घरों को विद्युतीकरण कैसे संकृत करने के लिए, जहां पर बिजली हमारी लाइन जाएगी बिजली देंगे, जहां बिजली की लाइन नहीं जा पाएगी वहां पर सोलर पैनल लगा करके लोगों को बिजली देने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी हम लोगों ने यहां पर उपलब्ध किया है। साथ साथ यहां के पहाड़ी टोला में 23,54,000 की लागत से सोलर मिनी पेयजल की योजना, यानी वह बिजली की उसके लिए आवश्यकता नहीं, सोलर पंप से स्वयं चलेगा और वह बिजली वहां पर सोलर पंप ही पेयजल की सुविधा आपको उपलब्ध कराएगा। बहुत अच्छी योजना है। राशन कार्ड, हर परिवार को राशन कार्ड से आच्छादित करने की कार्रवाई। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन 100% लोगों को उपलब्ध कराने, जितने भी पात्रता की श्रेणी में आने वाले हैं इन सबको इन योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई इन गांव में आज यहां पर संपन्न हो रही है। भाइयों बहनों, ये शासन की नीति है कि बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ आप सबको प्राप्त होना, और कुंभा और सफाई गांव उसका एक उदाहरण बनेगा। जैसे यहां पर 100% योजनाओं का लाभ यहां के गरीबों को, यहां के किसानों को, यहां के मजदूरों को, यहां के नौजवानों को, यहां की महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसे ही जनपद सोनभद्र के हर ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कि यहां पर इस पूरे जनपद में पहले चरण में हर गरीब परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ बराबर मिल सके। इसके लिए सरकार कार्य करेगी और इसलिए ग्राम कुंभा में स्वयं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, दुखद घटना थी 17 जुलाई की, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है स्वाभाविक रूप से वे वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार अपनी संवेदना के साथ जोड़ करके उन गरीबों के दुख के साथ अपने आप को जोड़ करके उन्हें शासन की योजनाओं से आच्छादित करने के साथ साथ इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय करके अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिला सके। और आज जो भी सरकार के स्तर पर कार्रवाई होनी थी सरकार ने पूरी कार्रवाई प्रभावी ढंग से की है, और मैं इस बात को फिर आपके लिए आपको आश्वस्त करता हूं। मैं यहां के जिला प्रशासन को भी इस बारे में कहता हूं, हर हाल में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता है। हर गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ, जिस तेजी के साथ प्रशासन ने ग्राम गुंबा में इस कार्रवाई को किया है, ऐसे ही जनपद सोनभद्र के हर गांव में इस प्रकार की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमें आगे करनी चाहिए। भैया बहनों, आप देखना अभी 3 महीने के अंदर जो SIT की रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। हम सोनभद्र जनपद के हर आदिवासी को, हर वनवासी को, हर यहां के गरीब को, अनुसूचित जाति के हर परिवार को, जो भूमिहीन परिवार है उन सबको पर्याप्त मात्रा में सीलिंग के कानून के अंतर्गत, जो राजस्व के नियम के अनुसार जितनी भी भूमि उन्हें आवंटित होनी है उसके अनुसार भूमि आवंटन की कार्रवाई हम लोग आपके लिए करेंगे, और आपके जीवन में खुशहाली लाना इस सरकार का नैतिक दायित्व भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं कि जब गरीब के चेहरे पर खुशहाली होगी तो देश के चेहरे पर खुशहाली अपने आप आ जाएगी, और उसी खुशहाली को लाने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरी पूरी संवेदना उन पीड़ितों के प्रति है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, लेकिन साथ साथ सरकार आपको आश्वस्त करती है कि सरकार आपके साथ इस विपत्ति के समय तो है ही, सरकार आगे भी आपके खुशहाली के लिए, आपके आर्थिक स्वावलंबन के लिए सरकार हर समय तत्पर रह करके आपके लिए कार्य करेगी। और मुझे विश्वास है कि जैसे प्रशासन ने
पुलिस चौकी की स्थापना के साथ साथ यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए, यहाँ के गरीबों के कल्याण के लिए, यहाँ पर राशन कार्ड की, पेंशन की सुविधा, मकान की सुविधा, शौचालय की सुविधा, विद्युत की सुविधा हर परिवार तक पहुंचाने, पेयजल की व्यवस्था हर परिवार तक पहुंचाने की जो कार्रवाई आगे बढ़ाई है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पूरे सोनभद्र जनपद को इसी क्रम में आगे इसी प्रकार से संतृप्त करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं यहाँ के उम्बा गांव के सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, लेकिन साथ साथ आज मैं उन सबको हृदय से बधाई दे देता हूं कि उन सबकी वर्षों की मांग थी, न जाने कितने लोग चले गए जूझते हुए, मांग करते हुए कि उन्हें भी जमीन का हक चाहिए, न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया होगा, कभी भी उनको न्याय नहीं मिल पाया था। आज सरकार आपको न्याय देने के लिए आपके बीच में आई है। आप सबका आशीर्वाद सरकार पर, पार्टी पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर इसी प्रकार से बना रहे। और आप सबको कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी की है, आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में एक बार कॉल करके हमें अवगत करा दीजिए।